नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रमुख आविष्कार और उनके आविष्कारकों के बारे में। तो साथियों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू कर देते। सबसे पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी MJ थॉम्सन ने। किसने की थी? MJ थॉम्सन ने। फिर अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी साथियों? गोल्डस्टीन ने। फिर अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो साथियों न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। साथियों याद रखिएगा, परीक्षा में आने वाले हैं प्रश्न ये। साइक्लोन की खोज किसने की थी? साइक्लोट्रॉन की खोज किसने की थी? तो साइक्लोट्रॉन की खोज की थी लॉरेंस ने। याद रखिएगा, लॉरेंस ने की थी साइक्लोट्रॉन की खोज। फिर अगला प्रश्न है, यूरेनियम की खोज किसने की थी? तो साथियों यूरेनियम की खोज की थी मार्टिन क्लाप्रोथ ने। किसने की थी? मार्टिन क्लाप्रोथ ने। फिर अगला प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी नाभिक की खोज? रदरफोर्ड ने। उसी ने बताया था कि नाभिक के अंदर, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। फिर अगला प्रश्न है, टेलीविज़न यानी जो मैकेनिकल टेलीविज़न है उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी जॉन लॉगी बेयर्ड ने। टेलीविज़न की खोज की थी। फिर साथियों अगला प्रश्न है, हमारा टेलीविज़न जो कि इलेक्ट्रॉनिक होता है उसकी खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न की खोज की थी PT फॉन्सवर्थ ने। किसने की थी? PT फॉन्सवर्थ ने। तो साथियों अगला प्रश्न है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी एनरिको फर्मी ने। किसने की थी? एनरिको फर्मी ने। याद रखिएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन की खोज किसने की थी? तो ओजोन की खोज की थी क्रिश्चियन शोनबिन ने। किसने की थी? क्रिश्चियन शोनबिन ने। फिर अगला प्रश्न है, साइकिल की खोज किसने की थी? तो साथियों साइकिल की खोज की थी जॉन के मैकमिलन ने। किसने की थी? जॉन के मैकमिलन ने साइकिल की खोज की थी। साइकिल टायर की खोज किसने की थी? तो साइकिल के टायर की खोज की थी जॉन डनलप ने। जॉन डनलप ने साइकिल के टायर की खोज की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल की खोज किसने की थी? तो मोटरसाइकिल की खोज की थी जी डेमलर ने मोटरसाइकिल की खोज की थी। फिर अगला प्रश्न है, स्कूटर की खोज किसने की थी? तो स्कूटर की खोज की थी जी ब्राडशा ने स्कूटर की खोज की थी। फिर अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु संख्या की खोज किसने की थी? तो परमाणु संख्या की खोज की थी हेनरी मेसले ने। किसने की थी? हेनरी मेसले ने परमाणु संख्या की खोज की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो परमाणु का सिद्धांत जो था वो दिया था जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। फिर अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज की थी ऑटो हान ने। किसने की थी? ऑटो हान ने परमाणु की खोज की थी। परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? तो परमाणु संरचना की खोज की थी नील्स बोर और रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड और नील्स बोर ने परमाणु संरचना की खोज की थी। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो टेलीग्राफी की खोज किसने की थी? तो रेडियो टेलीग्राफी की खोज की थी डेविड एडवर्ड ह्यूज ने रेडियो टेलीग्राफी की खोज की थी। फिर अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो टेलीग्राफी की खोज किसने की थी? और इसमें भी ये खोज की थी मार्कोनी ने भी, मतलब दोनों ने मिलकर ये खोज की थी। फिर अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज की थी एंटोइन बेकुरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। फिर अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने, और धर्मिता की खोज की एंटोइन बेकुरल ने। कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर अगला खोज है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी और पेयरे क्यूरी ने रेडियम की खोज की, तो उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, डायनामाइट की खोज किसने की थी? डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबल ने। अल्फ्रेड नोबल ने
डायनामाइट की खोज की थी। फिर अगला इस क्वेश्चन है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो पीएच स्केल की खोज की थी एस पी सेंसेशन ने, एच पी सोरेंसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। फिर अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैनवेंडिश ने, किसने की थी? हेनरी कैनवेंडिश ने। फिर अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन की खोज की थी डेनियल रदरफोर्ड ने, डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। साथियों फिर हमारा अगला प्रश्न है, प्लूटोनियम की खोज किसने की थी? तो प्लूटोनियम की खोज की थी जी टी सिबोग ने, प्लूटोनियम की खोज की थी जी टी सिबोग ने प्लूटोनियम की खोज की थी। मैग्नीशियम की खोज किसने की थी? तो मैग्नीशियम की खोज की थी एस हम्फ्री डेवी ने, हैश हम्फ्री डेवी ने मैग्नीशियम की खोज की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी जो मेटल में होती है उसकी खोज किसने की थी? मेटेलिक फोटोग्राफी की खोज किसने की थी? तो एल डेंगरे और जे निप्से ने मेटेलिक फोटोग्राफी की खोज की थी। फिर अगला प्रश्न है, प्रिंटेड फोटोग्राफी कागज़ की फोटोग्राफी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी डब्ल्यू फॉक्स टॉलबोट ने फोटोग्राफी कागज वाली की खोज की थी। फिर अगला है, फिल्मी फोटोग्राफी की खोज किसने की थी? फिल्म फोटोग्राफी की खोज की थी जॉन कार्टन ने, जो कि अमेरिका के थे। फिर ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज की थी कार्ल विलहेम शी ने और जोसेफ प्रिस्टली ने, लिखेगा कार्ल विलहेम शी और जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी। और अक्रिय गैस आर्गन की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैस आर्गन की खोज की थी रेमजे और रेले ने अक्रिय गैस आर्गन की खोज की थी। तो थोरियम की खोज किसने की थी? तो थोरियम की खोज की थी बर्जीलियस ने थोरियम की खोज की थी। फिर मैकेनिकल टेलीविज़न की खोज किसने की थी? तो मैकेनिकल टेलीविज़न की खोज थी जॉन लॉगी बेयर्ड ने मैकेनिकल टीवी की खोज की थी। और इलेक्ट्रॉनिक टीवी की खोज की थी किसने? पी टी फांसफर्थ ने याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो बैरोमीटर की खोज की थी एवेंजेलिस्टा टार्सेली ने, किसने खोज की थी? एवेंजेलिस्टा टार्सेली ने बैरोमीटर की खोज की थी। फिर अगला प्रश्न है, रेल के इंजन की खोज किसने की थी? तो रेल के इंजन की खोज की थी जॉन स्टीफन्स ने, जो कि यूनाइटेड किंगडम के थे, याद रखिएगा। जॉन स्टीफन ने रेल के इंजन की खोज की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, भाप का इंजन जो कंडेंसर से चलता था उसकी खोज किसने की थी? तो कंडेंसर वाले भाप के इंजन की खोज की थी जेम्स वॉट ने, किसने की थी? जेम्स वॉट ने, याद रखिएगा। भाप का इंजन जो पिस्टन से चलता था यानी पिस्टनिक भाप के इंजन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी धाम न्यू कोमैन ने, किसने की थी? धाम न्यू कोमैन ने, याद रखिएगा। डीजल इंजन की खोज किसने की थी? तो डीजल इंजन की खोज थी रुडोल्फ कार्ल डीजल ने, किसने की थी? रुडोल्फ कार्ल डीजल ने। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकोमोटिव रेल की खोज किसने की थी? तो लोकोमोटिव रेल की खोज की थी रिचर्ड ट्रेकिथिक ने, किसने की थी? रिचर्ड ट्रेकिथिक ने। जेट इंजन की खोज किसने की थी? तो जेट इंजन की खोज की थी सर फ्रैंक विटले ने, किसने की थी? सर फ्रैंक विटले ने। साथियों आज का वीडियो यहीं समाप्त कर, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद।